को जोहार। और गोंडवाना दर्शन के माध्यम से आज जो मुझे बोलने के लिए और तमाम साथियों से जुड़ने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं उषा किरण जी का, नेताम जी का, पड्डे जी का और उनसे जुड़े जितने भी साथी हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सुनहर जी को याद करने का मुझे मौका दिया। और साथ ही साथ आदिवासी साहित्य के संबंध में दो चार बातें कहने का अवसर दिया। सबसे पहले आपको बता दूं कि सुनहर जी से मैं 1993 में वो रांची आए थे तो जो कि जनजातीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय के विभागगत अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे 1993 में सुनहर जी से मिलवाया था। और तब पहली बार दर्शन पत्रिका परिचय प्राप्त किया था, लेकिन फिर बात आई गई होगी, लेकिन इसी बीच अगले साल मतलब 94 में मेरा ट्रांसफ़र शहडोल हो गया। और फिर जब मैं शहडोल पे गया वहाँ डॉक्टर बजरंग सिंह ध्रुवे जो वहाँ के शहडोल कॉलेज में इकोनॉमिक्स विभाग में थे उन्होंने फिर मेरी मुलाकात सुनहर जी से कराई थी। और तब मैं सुनहर जी से फिर मिला और फिर गोंडवाना दर्शन का मैंने सदस्यता ली और वो काफ़ी सालों तक वो गोंडवाना दर्शन मुझे नियमित रूप से मिलता रहा। और इतना तक कि जब मैं कलकत्ता ट्रांसफ़र होकर चला गया तब भी वह पत्रिका मुझे मिलती रही। और मैं उस समय संभवतः गोंडवाना दर्शन अकेली ऐसी पत्रिका रही होगी कि जो आदिवासियों के बारे में सोच रही थी। तो ये सुनहर जी का बहुत बड़ा प्रयास था कि उन्होंने गोंडवाना दर्शन से न केवल गोंड समुदाय बल्कि और दूसरे आदिवासी समुदाय को भी अपनी पत्रिका से जोड़ने का प्रयास किया था। तो मैं सुनहर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, साथ साथ उन सारे पुरखों को याद करता हूँ, उन सभी को झार करता हूँ कि जिन्होंने इस सुंदर धरती को बनाने के धरती में रह रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए खेत खलिहान बनाया और इतना कुछ किया कि आज हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो सबसे पहले उन सारे पुरखों को मैं पुनः जोहार करता हूँ और अपनी बातें आगे कहता हूँ। सबसे पहले सवाल होता है कि कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे, मुझे बताएगा कि मैं अपने बारे में भी कुछ बोलूं, अपनी भाषा संस्कृति के बारे में भी बोलूं। तो मेरा नाम महादेव टोप्पो है और मैं यहाँ उरांव समुदाय से आता हूँ जिनकी भाषा को कुड़ुख कहते हैं। तो ये कुड़ुख जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है और गोंडी भाषा से, तुल्लू भाषा से और दूसरी जो दक्षिण के कुछ भाषाएं हैं उनसे जो बहुत सारे शब्द वगैरह हैं जो इससे जुड़ते हैं। जैसे आज मैं देख रहा था गोंडे में यह को ईद ही बोलते हैं, तो हमारे यहाँ भी हम लोग अपनी मातृभाषा में कुड़ुख को ईद बोलते हैं। तो इस तरह से गोंडी भाषा में बहुत सारे समानता है, जैसे तमिल में कन्न का मतलब होता है आँख, तो हमारी भाषा में हम लोग कन्न बोलते हैं।
वो तमिल में उक्का रिंगा बोलते हैं कि बैठिए, तो हम कुडुख में उक्का कहते हैं। तो इस तरह से द्रविड़ भाषा परिवार का जो समुदाय है वो झारखंड से लेके और दक्षिण तक वो मिलता है। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने पढ़ना लिखना शुरू किया। तो इस संबंध में इतना बताऊंगा कि जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तो यहाँ से कुछ साप्ताहिक पत्र निकलते थे रांची से। उस समय मैं मेन रोड जाता था और कुछ अखबार जो है साप्ताहिक अखबार पढ़ते पढ़ते वहाँ जो चुटकुले वहाँ कुछ लेख वगैरह रहते पढ़ते थे, तो उनको पढ़ते पढ़ते मेरे मेरे को पढ़ने पढ़ने में रुचि हुई और मैं पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते काफ़ी कुछ पढ़ गया। छठी क्लास में हमारी लाइब्रेरी से, मतलब स्कूल की लाइब्रेरी थी, तो लेकिन हम लोग वहाँ रोज़ जाते थे और किताबें देखते थे। जो हमारे वहाँ जो सिस्टर थे, मतलब जो प्रधाना प्रधानाध्यापिका थी, उनसे मैंने कुछ मांगने की हम लोग किताब देखते थे फिर रख देते थे, क्योंकि वो बहुत सख्त प्रधानाचार्य थे। क्या हुआ, किताब देखते देखते भूल गया कि हम लोगों को किसी की रखवाली करनी है। और इसी बीच जो है हमारे जो प्रधानाध्यापिका जो हैं वो आ गई, और चूंकि वो बहुत सख्त थी, बहुत कड़ियल थी, तो हम लोग के डर से बहुत हालत ख़राब हो गई। और फिर हम सोचने लगे कि भाई अब तो हमें मार पड़ेगी। लेकिन उस दिन हम लोगों ने देखा कि उस अध्यापिका ने हमें बहुत प्यार से हमसे मिली और उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोग किताब पढ़ना चाहते हो, तो बोला हमने कहा कि हाँ। और वही छठी क्लास से हम लोगों को अपनी लाइब्रेरी से उस समय जो किशोरवय की किताबें थीं वह सब पढ़ने के लिए मिला। तो उसमें राजपाल एंड सन्स, ये मैं बात कर रहा हूँ 1965 आसपास के, तो 1965 में मैं छठवीं क्लास में था। तो उस समय हमें क्या हुआ कि ये बहुत सारे किताबें जो किशोरों के लिए लिखे गए थे, और ये राजपाल एंड सन्स और कुछ बहुत सारे दूसरे किताबों प्रकाशनों से थी वहाँ थी। हम लोग, मैं और मेरे कुछ दो चार मित्र पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते आदत होती गई है। आदत, और फिर इस तरह से पढ़ने की आदत हो गई। तो उस समय हम लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ पढ़ा था, मुझे याद है कि उस समय जितने भी जो बड़े बड़े क्लासिक थे, क्लासिक रचनाएं थी, जैसे आरएल स्टीवेंसन के उपन्यास वगैरह थे, खजाने की खोज में, तो इस तरह के जो उपन्यास थे जो वो उस समय हम लोगों ने काफी पढ़ा। शेक्सपियर के नाटकों का किसी बड़े लेखक ने, मैं याद नहीं आ रहा है, उसने उसका किशोरों के लिए अनुवाद किया था। तो शेक्सपियर के कई सारे जो नाटक थे उसको उपन्यास रूप में, मतलब बचपन में ही पढ़ गया था। हालांकि समझ में नहीं आया, लेकिन तब तक कुछ भी जो भी मिला हमने पढ़े पढ़े हम पढ़ते रहे। और इसके बाद क्या हुआ कि उसी समय 1966 में, 1966 में मेरी एक छोटी सी रचना हमारे जो है यहाँ के एक स्थानीय साप्ताहिक में छपी। और उस साप्ताहिक में जो कई सारे प्रतियोगिता वगैरह होती थी, तो मैं उसमें प्रतियोगिता जीता, मुझे प्रथम पुरस्कार की घोषणा हुई और मैं देखने देखने लगा। तो इस तरह क्या है कि मुझे
पढ़ने का एक जोश आने लगा। और इसी बीच मुझे मेरे भाई ने धर्मयुग जैसी पत्रिका थी उस सब से मेरा परिचय कराया। वो कभी कभी धर्मयुग पढ़ने के लिए ले आते थे, तो वो पढ़ते पढ़ते साहित्य से रुचि होने लगे। और जब मैं 7वीं क्लास में था तो मैंने एक पाठ पढ़ते हुए पाया कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये जो साहित्य समाज का दर्पण है, तो उसमें कुछ आलोचनात्मक छोटे मोटे लेख पढ़ रहा था, और उस समय कुछ साहित्य की जो मेरी समझ बन रही थी उसके हिसाब से जो मैं पढ़ रहा था आसपास में, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें कहीं पर आदिवासी मौजूद नहीं है। पता नहीं ये बात मेरे मन में बचपन से 7वीं 8वीं क्लास से ही मेरे मन में इस साहित्य में जो है, हिंदी साहित्य में जो है वो नहीं है। तो मैंने फिर बात करना किया, तो से होके गुजर के जाता था जिस समय कि हिंदी के बहुत बड़े विद्वान जो थे जिन्हें पद्मश्री मिला था, और वो रामकथा के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, और उन्होंने एक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा जो कि आज तक सबसे अच्छी डिक्शनरी में माने जाती है। तो जिस स्कूल से मैं जा रहा था तो उधर ही कामिल बोल के दिखते थे। तो और इसके पहले एक छोटे से बात बता दूं कि कामिल बुलके से मेरी रुचि कैसे हुई कि एक दिन मैंने रेडियो में उनका भाषण सुना, तो एक अंग्रेज को हिंदी बोलते सुना तो मुझे बहुत विचित्र लगा और अच्छा लगा, अरे एक विदेशी हिंदी का इतना बड़ा विद्वान कैसे हो सकता है। तो ये उत्सुकता जगी, और एक दिन मैंने मेरे अपने बड़े भाई को बोला कि भाई ये जो कामिल बुलके जी हैं उससे ज़रा मुझे दिखा दीजिए। तो एक दिन संयोग से यहाँ चर्च रोड है रांची में, तो चर्च रोड में वो साइकिल में कामिल बुलके जी मुझे मतलब भैया को दिख गए। तो उन्होंने बताया कि वो जो सफ़ेद कपड़ा पहन के जा रहा है, जो उन लोग पहनते हैं उनको सुटान कहते हैं, सुटान पहन के साइकिल में जा रहा है, वही फादर कामिल बुलके है। तो मैंने पहली बार उनको फादर कामिल बुलके को देखा कि एक विदेशी है जो कि हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञाता है, ज्ञानी है था। तो फिर जब मैं जिस रास्ते से स्कूल जाता था वहाँ देखता था कि बीच बीच कभी कभी उसके रास्ते से होके जाता था उनके निवास के रास्ते से, तो देखता था कि उनसे कभी लोग कई लोग मिलने आते थे, और कभी कभी वो अपने जो है काम में व्यस्त रहते थे, अपनी पांडुलिपि वगैरह देखते थे। लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं उनसे जाके मिलूं। मैं अपने जो बड़े भाई लोग और परिचितों से बोलता था कि मुझे उनसे मिलवा दो, लेकिन किसी ने नहीं मिलवाया। तो जब 9वीं क्लास में गया था, और तब तक मुझे पढ़ने की बहुत बुरी आदत लग गई थी, घर में कुछ भी मिलता था तो मैं सब कुछ पढ़ लेता था। तो एक बार ऐसा हुआ क्या कि घर में कुछ नहीं पढ़ने के लिए था, तो मैं बोला कि अब क्या करूं, गर्मी की छुट्टी थी और पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने बहुत हिम्मत करके बोला कि मैं कामिल बुलके, फादर कामिल बुलके से मिलता हूँ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर उनसे मिल लूँगा तो मुझे किताब मिल सकता है। तो मैं बहुत हिम्मत करके फिर मांड्रेसा हाउस जहाँ वो रहते थे वहाँ गया और उनसे मिला। जब उनसे मिला तो क्योंकि मैंने जोर से कुंडी बजा दी थी इसलिए वो नाराज़ हो गए थे, और आकर उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। तो मैंने बोला कि उपन्यास, तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा और बोला कि अच्छा आप क्या उपन्यास चाहते हैं, आप मुझे बताइए। तो शायद वो मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं
कुछ उपन्यास पढ़ना चाहता था, उन्होंने नाम जानना चाहता, तो मैंने कई सारे नाम जैसे अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र, या एकादश नमन शरणार्थ, या फिर इलाचंद्र जोशी का जहाज का पंछी, बिमल मित्र का उपन्यास, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, यशपाल के कुछ किताबें दिव्या वगैरह, इस तरह का नाम लेते हैं। करीब 10-12 जो लेखकों का नाम लेता हुआ उनके साथ साथ किताबों का भी नाम बताया, तो फादर बहुत खुश हुए। तो वो खुश हुए, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उस समय एक 9वीं कक्षा के छात्र से हिंदी के बड़े बड़े लेखकों का एकदम अपडेट जो ज्ञान जो है उनके किताबों के बारे में बताना, शायद ये कामिल बुल्कर जी को बहुत ही आश्चर्य लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्योंकि मैं बाद में समझा कि बीए में पढ़ते हुए लोग भी बहुत सारे किताबों के या लेखकों के बारे में नहीं जानते हैं। तो खैर, उसके बाद जब मैं किताब लेके वहाँ से 2 किताबें ली और जब मैं जाने लगा तो फादर ने मेरे पीठ पर हाथ रखा और उन्होंने जो कुछ कहा उस समय, तो मैं उस पर उसके बारे में मैंने जो आशीर्वाद दिया मुझे उन्होंने, तो उसके बारे में मैंने आज से करीब 10 साल पहले तक किसी से चर्चा नहीं करता था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि फादर ने जो कहा है, जो कामिल बुल्के जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसके काबिल हूँ भी कि नहीं। क्योंकि कामिल बुल्के जी ने बोला था कि मेरे पीठ पर हाथ रख के कि जाओ तुम लेखक बन जाओगे, और मैं बना का हिंदी के ये सोचता था, हालांकि मन में इच्छा ज़रूर थी कि हमें लिखना चाहिए और चाहिए, लेकिन 10वीं 11वीं कक्षा तक या दूसरे तरह के जिस तरह के अनुभव मुझे मिल चुके थे, जो कटु अनुभव अपने इच्छा को लेकर मिल चुके थे, तो उससे मुझे डर लगने लगता था। क्योंकि जब मैं कुछ लेख लिख कर यहाँ के स्थानीय अखबार में गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लेख वगैरह तो ठीक है, हम लोग छाप सकते हैं, लेकिन आपको ये टप्पो हटाना पड़ेगा। तो भाई महादेव टोप्पो हटाना पड़ेगा, तो बोला कि क्या करना पड़ेगा, तो बोला इसके बदले कुमार प्रसाद या और कुछ भी लिखे। तो ये बोला कि भाई इससे तो मेरी तो पहचान ही नहीं रहेगी, कर दिया और बोला कि नहीं मैं छपूंगा तो नाम से, सॉरी सर, और ले लिया और अपना प्रयास करता रहा। इसी बीच हमारे कॉलेज, जब मैं कॉलेज चला गया, तो कॉलेज में हमारे एक मित्र मिले, राजीव रंजन सिंह। तो राजीव रंजन सिंह भागलपुर के रहने वाले थे और हिंदी बहुत पढ़ते थे, उनका संस्कृत हिंदी मन बहुत अच्छा था और वो बहुत ही पढ़ते रहते थे। तो उन्हें पढ़ने के सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात हो गई और बाद में वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। उन्होंने ही समझाया कि मैं लिखने के लिए बहुत परेशान रहता था छपने के लिए, तो उन्होंने समझाया कि नहीं आप इतना हड़बड़ाओ मत, आप कुछ पढ़ो लिखो ज़्यादा, और आपको अगर छपना है तो किसी बड़ी पत्रिका में ही छपो। तो उन्होंने जो ये बात कही तो मुझे भी लगा कि नहीं वो सही कह रहे हैं, और उसके बाद में मैं पढ़ने में ध्यान लगाने लगा, लेकिन लिखने का अभ्यास बराबर कुछ ना कुछ लिखता रहता था। और मैं अपनी माता कविताएं या गीत वगैरह लिखे अपनी मातृभाषा कुड़ुख में, लेकिन वो फिर आज कहाँ है मेरे को ये मुझे पता नहीं है, वो खो गया। लेकिन ये क्या हुआ कि ये सब तो उन्होंने नाटक खेला, तो सबसे पहले हम लोगों ने जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कुणार्क खेला, और फिर बाद में मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन खेला, और फिर इत्तेफाक से क्या हुआ कि 74 में कामिल बुल्के जी को पद्म विभूषण दिया गया, तो हम लोगों ने उनके सम्मान में आधे अधूरे नाटक खेला था। तो और उस समय हमारे कॉलेज के जो छात्र रहे, तो वो सारे लोग, हम लोग लड़के और लड़की एक साथ, वो संजीवर कॉलेज था, वहाँ एक प्रतिष्ठित कॉलेज था, नामी कॉलेज था, तक वहाँ पर लड़के लड़की साथ
मंच में काम नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकता था। अगर नाटक करेंगे तो लड़कियां ही करेंगे सारे, या लड़के लड़के का रोल करेंगे, ऐसी परंपरा थी। लेकिन हम लोगों ने इस परंपरा को तोड़ा और एक नई परंपरा उस जगह में शुरू की। तो लेकिन जो मैं के लिए उस समय धर्मयुग वगैरह पढ़ रहा था, और धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान गया था, बारिश हो रही है तो इसलिए हो लेकिन मैं यहाँ पर इसको नहीं तोड़ूंगा और मैं उसका इंतजार करूंगा और लगातार अपनी तरफ से कनेक्टिविटी। तो इस तरह से जो सर, ये बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, और इसलिए ये अभी टूटने की संभावना है, तो इसलिए जरा सा लगता है। फिर जरा खराब है, इसलिए यह होगा। उसके बाद में फिर मैं क्या हुआ कि पढ़ने लगा, साहित्य पढ़ने लगा और एक प्रयास करते रहा। तो मेरे कुछ एक मुझे प्रथम पुरस्कार लेख लिखने के लिए मैं आ गया था कि नहीं, हाँ मैं भी लिख सकता हूँ। लेकिन दूसरा जो एक कटु अनुभव यह स्कूल जब मुझे अपने लेख के लिए प्रथम पुरस्कार कि एक किसी आदि को, वो भी हिंदी लेख प्रतियोगिता के लिए, पहले तक जो प्रथम पुरस्कार पाते थे तो उन लोगों ने हमारे जो हिंदी शिक्षक है उन पर आरोप लगाया और बोला कि इस बार ये जो हमारे पाठक जी का है वो दिमाग खराब हो गया और उसने एक आदिवासी को ऐसी बात उन्होंने लेकिन यह समुदाय कि 1981 में पत्रिका जो धर्मयुग थी साप्ताहिक उस समय रंगीन और उसके संपादक हुआ करते थे, तो धर्मवीर भारती ने मेरा धर्मयुग के लिए स्वीकृत किया। तो ये मुझे अच्छा लगा कि 1981 में जिस धर्मयुग पहला लेख प्रकाशित हुआ वह था कि ऐसी असंत धर्मयुग ने निकाला था, ये 1981 के बाद 28 अगस्त में जो ये धर्मयुग का आदिवासी असंतोष विशेषांक और मेरा पहला लेख छपा था, तो आज मैं महसूस वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि उसमें धर्म तत्कालीन उत्तर और वर्तमान झारखंड से दो ही लोग छत पे थे, एक जो साहित्यकार थे कामिल बोल के, ये दो ही छपते थे। तो उसके बाद से ये जो मेरा लेख उसमें छपना ये बहुत बड़े मेरे लिए फख्र की बात थी। और उस लेख छपने के बाद क्या हुआ कि हिंदी जगत में यहाँ पर कई लोग मुझे खोजने लगे कि भाई ये महादेव टोप्पो कौन है।
उसके बाद और कुछ लेख धर्मयुग में छपे, लेकिन तब तक मैं नौकरी शुरू कर चुका था, तो नौकरी करने के वजह से मुझे मैं जितना लिखना चाहता था वो लिख नहीं पाता था। दूसरी बात क्या थी कि मैं ये सोचना, मैं इस सवाल का जवाब पाना चाहता था कि मैं क्यों लिखना चाहता हूँ। तो धर्मयुग में छप जाने के बाद भी मुझे कई तरह के ऑफर आए, कई तरह के, लेकिन मैं फिर 5-6 साल में ये मैं चिंतन करता रहा, मैं सोचता रहा कि मुझे क्यों लिखना चाहिए, है ना। और अंततः मैंने जब पुनः फिर जब 90 के आसपास जब मैंने लिखना शुरू किया, तो तब तक मैं इस बात के लिए आश्वस्त था कि मुझे क्यों लिखना चाहिए और किस लिए लिखना चाहिए, ये मैं पूरा चिंतन कर चुका था। इसी के बाद में मैंने जो कुछ भी लिखा, आज की तारीख तक भी मैं अपने बायोडाटा में लिखता भी हूँ कि मेरी कमज़ोरी, तो मेरी कमज़ोरी में मैं बताता हूँ कि मेरी कमज़ोरी है आदिवासी और झारखंड। तो ये आदिवासी पूरे, सिर्फ झारखंड के आदिवासी नहीं, पूरे भारत के, पूरे दुनिया के आदिवासी की जो समस्या है वो मेरी समस्या है, मैं ऐसा मानता हूँ। और आज की तरह भी इसीलिए क्या है, गुजरात महाराष्ट्र से लेके नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं, और सारे लोगों से मैं सभी तरह से लिख से उनसे संपर्क है, और मैं सिर्फ अपने समुदाय या अपनी मातृभाषा के बारे में ही नहीं लिखता हूँ। मेरे पास जो भी हमारे परिचित मित्र हैं, मैंने जैसे कि पूर्वोत्तर के जो हमारे साथी साहित्यकार हैं या वहाँ के जो साहित्य है उसके बारे में भी मैंने लिखा, और उसी तरह जो महाराष्ट्र के लोग हैं या हमारे इधर ग्रेटर झारखंड के लोग, ग्रेटर झारखंड मतलब उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या बंगाल से हैं, तो उन आदिवासियों के बारे में भी लिखा। और सिर्फ चूँकि मैं आपको बता दूं कि मैं बैंक में था, मैं कोई साहित्य का व्याख्याता नहीं था, इसलिए मेरी दृष्टि कुछ लगता है अलग तरह से बन गई थी, और मुझे जो साहित्य आलोचना या इस तरह की जो बातें थी, तो मुझे जो सवाल एक आदिवासी होने के नाते मुझे जो स्थितियां या जो जो मुद्दे या जो समस्या, चाहे वो तकनीकी समस्या भी हो, जो मुझे परेशान करती थी वो मैं लिखता था। जैसे मैंने कंप्यूटर के माध्यम से कैसे हम आदिवासी भाषा, अभी आज से मैंने 15 साल पहले लिखा था, और उसी को आजकल मैंने उसमें जो बात आशाएँ व्यक्त की थी कि मैं बोला था कि भाई ये तकनीक आज से पहले लोग ये कंप्यूटर को उतनी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन उसी समय मैंने ये बात कही थी कि आदिवासी जो भाषा, आदिवासी भाषा भाषियों को अपनी भाषा के विकास के लिए जो है ये आधुनिक तकनीक है उनको सहायता दे सकती है, उनको अपग्रेड करने में या उसको पॉपुलराइज करने में ये मददगार साबित हो सकती है, और आज मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी बात सही साबित हो रही है। और मैंने उस समय आशा व्यक्त की थी कि ये जो है हमारा युवा वर्ग जो आधुनिक तकनीक या संस्कृति या जो भी और दूसरी चीज़ें हैं उसके विकास में योगदान दे, वैसे ही हो रहा है। क्योंकि मैंने 1993 जब रांची में था तो वर्कशॉप लगाया था, चूँकि मैं बहुत परेशान रहता था, इसलिए परेशान रहता था कि भी लिखें, मैं लिखने पढ़ने में रुचि देखने वाले किसी को नहीं देखता था, तो मुझे बहुत मतलब हैरानी होती थी, तो मैं सोचता था कि मैं कैसे पढ़ूं, तो इसलिए मैंने एक दिन का वर्कशॉप लगाया, और मैंने वहाँ 30 लड़के युवा आए, और वहाँ हम लोगों ने 3 और दूसरे साथियों ने, मेघनाथ जी जो यहाँ के फिल्मकार हैं, एक उस समय के बहुत बड़े पत्रकार थे कृष्ण केतु जी, है ना, और फिर हमारे मित्र थे सामू सैमसन टोपनो, तो ये हम लोगों ने चारों ने मिलकर वर्कशॉप किया,
और उस स्लोगन दिया, नारा दिया कि कलम कूची कैमरे से लिखने पढ़ने की ताकत को उसमें जो भी हमारे युवा समझाया, और उस समय हमने बोला कूची मतलब ब्रश। तो ब्रश से मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कला को भी यदि बढ़ाएंगे तो हमारी पहचान बढ़ सकती है, हमारी पहचान बन सकती है। और तीसरा था कैमरा, तो कैमरा, तो कैमरे से मतलब ये था कि हम जो सिनेमा का माध्यम है या जो चीज़ आ रहा है उसके माध्यम से भी हम आदिवासी समस्या मुद्दों को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये मैं 93 में सोच लिया था। लेकिन उस समय जो बात कहा उसको लोग उस समय नहीं समझे, लेकिन हमने क्या क्या कि उस वर्कशॉप करने के बाद में लगातार मैं करीब 1.5 साल तक महीने में एक बार मिलता था, और जो भी लड़के 2, 4, 5, 8, 10 लोग जो भी आते थे उनको उनका क्लास लेता था, मतलब उनसे चर्चा करा था ताकि आपको क्यों लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें बताया करता था। तो मुझे आज ये कहते हुए खुशी है कि जो वो मैंने वर्कशॉप 93 में हमारे मित्रों के साथ लगाया था, कलम कूची कैमरा से समाज का विकास कैसे हो, तो इस चीज़ को आज की तारीख में लोग बहुत स्पष्ट से लोग समझ चुके हैं, और 93 में किया हुआ काम आज मतलब फलीभूत होता दिखता है। तो इस संबंध में मैं अभी बाद में और बताऊंगा। तो अभी देखिए हमारे बीच कई लड़के लोग हैं जो जैसे बीजू टोप्पो जी हैं, निरंजन जोर जी हैं, दशरथ हांसदा जी हैं, सिराल मुर्मू जी हैं हमारे झारखंड में, वो लोग बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं, और वो बहुत ही कलात्मक बहुत अच्छी उस स्तरीय के हमारे जीवन के बहुत सारे मुद्दों को, भाषा संस्कृति विकास के मुद्दों को बहुत ही बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं, और उन मुद्दों को वो लोग राष्ट्रीय मंच पर ले जा रहे हैं, और इसके लिए उन्हें बहुत ही प्रशंसा भी मिल रही है और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। तो इस तरह से ये जितने सारे लड़के लोग हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया तो नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने देखा कि कार्बी हुआ, मणिपुरी, असमिया भाषा में ये सारी चीज़ें वो वहाँ के आदिवासी भाषाओं लोग फिल्में बना रहे थे। और दो चीज़ था, एक था कि मैं हमारे जो परिधान है, जो हमारे जो आदिवासी परिधान है, चूँकि मैं जो मध्य भारत में ये जो हमारे ग्रेटर झारखंड में है, हमारे जो परिधान हुआ हमारे चीज़ के प्रति एक लगाव हट रहा था, लोग आधुनिक संस्कृति से मॉडर्निटी से प्रभावित होकर पारंपरिक जो हमारी जो परंपरा में हमारे संस्कृति लोकगीत भोजन या परिधान थे इसको लोग भूल रहे थे। लेकिन मैं तब भी उनको कहता था कि भाई आप अपने भोजन या सारे कुछ उसको बचा के रखो और ये सारी चीज़ें कहता था। लेकिन कहना और होना में अंतर है, तो जब कहता था उस समय तो लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन आप सभी दोस्तों को ये बताते हुए आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आज रांची में दो होटल ऐसे हैं जिसमें कि आदिवासी की पारंपरिक भोजन मिलती है, एक है अजय मुंबई है और दूसरा है ये मंडी अड़पा। अभी मुझे पता चला कि ये जमशेदपुर में भी एक पारंपरिक भोजन है उसको आदिवासी तौर तरीके से परोसा जाता है। ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ठीक है साहित्य तो आएंगे लिखे साथ, ये जो हमारे रहन सहन खाने पीने की परंपरा, गीत गाने की जो हमारी शैली है, नाचने की शैली है, और दूसरे तो हमारे ग्रामीण
चुके हैं वो भी बचना चाहिए। अब ये ग्रामीण तौर तरीके बचना चाहिए, तो मैं आप लोगों को और एक अनुभव बता दूं कि ये जब अभी COVID-19 ये जो अभी ये आया, तो इससे तो जब मैं ढूंढना शुरू किया कि हमारे आदिवासी समाज में क्या ऐसी परंपरा रही है, क्योंकि मुझे बचपन में याद था कि हम लोग क्या होता था कि जैसे बरसात आने के समय में हमारे यहाँ आषाढ़ी पूजा होती है, और आषाढ़ी पूजा करने के बाद में मतलब आषाढ़ महीना शुरू होने के समय से फिर मतलब भादो एकादशी तक जैसे कर्म का त्यौहार जब तक नहीं मनाया जाता है, तब तक हमारे गांवों में क्या होता था कि लोग एक दूसरे के गांव नहीं जाते थे, दूसरे यहाँ के मेहमान के लिए नहीं जाते थे, और वो जंगल भी नहीं जाते थे। तो ये मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है, तो बाद में मुझे हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि एक तो है कि बरसात आने से जो बीमारी फैल जाती है, तो हमारे जो आदिवासी हैं या हमारे पुरखे हैं उनको पहले से ही पता था कि ये बरसात में बीमारियाँ फैलती हैं, इसलिए बरसात में वो एक दूसरे के गांव वगैरह नहीं जाते थे, किसी के यहाँ जाते नहीं रहते थे, और वो लॉकडाउन रहते थे। और इसके साथ ही साथ उसमें जो उनके खाने के जो तौर तरीके थे वो भी बदल जाते थे। वो हमारे यहाँ गांव में होता था कि वो भात में वो गर्म पानी डाल देते थे, और उस समय पूरे बरसात भर ये जो होता था उसी पानी को पीते थे। तो इस तरह से क्या है कि वो जो उनके जो कीटाणु या जो कुछ रहे हों उससे बच जाते थे और उनको बीमारियां नहीं होती थी, ऐसा मुझे हमारे एक MBBS डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर नारायण उरांव जी ने, कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी, इसीलिए ये हमारे आदिवासी कई बार जो हैजा वगैरह के जो बड़ी बड़ी बीमारियां हुई उस समय से वो देहातों में बच जाते थे। तो इसके संबंध में शायद ये 1920 में हिंदुस्तान में है या किसी बीमारी के प्रकोप से बहुत सारी मृत्यु हुई, तो उस समय जब देखा गया कि आदिवासी इलाके में मृत्यु नहीं हुई, तो उन लोगों ने देखा कि आदिवासी जो हैं उन रहने जीने के जो तौर तरीके अलग से या उनके खाने पीने का तरीके जो हैं, और जो वो लोग जो जंगल के जो पत्ते फूल वगैरह जो खाते थे, तो आज सारे लोग बता रहे हैं कि हम लोग जो पेड़ पौधों के जो फूल पत्ते जैसे मुनगा जिसको सहजन कहते हैं, या हमारे फुटकल हैं, ब्राह्मणी बूटी हैं, और भी बहुत सारे जो हम साग सब्जी अभी 50 तरह के साग सब्जी है, ये सारे चीज जो जो बोटनिस्ट लोग हैं है ना, वो लोग बता रहे हैं कि वो सारे जो हम सेवन करते हैं वो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। तो मुझे लगता है पारंपरिक भोजन रहा होगा वो उन औषधीय गुणों से बहुत सारी चीज़ों से बच जाया करते थे। तो दोस्तों ये मुझे साहित्य जीवन पर बहुत सारी बातें हुई, और मुझे अपनी कविताएं भी सुनानी है, तो इन सारी बातों क्या करके मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये 40, तो मैं अपनी बातें अब साहित्य की बात कर चाहूँगा। तो वो लिखने की शुरुआत इसलिए हुई कि मैं देखता था कि आदिवासियों के बारे में छपते थे या बड़े पत्रिकाओं में, तो उसमें कई सारे बारे में, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि भाई ये जो हमारा ये विद्वान कैसे, तो मैं उनको चिट्ठी लिखता था वो ये गलती है भैया। एक बार इसी उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लिखकर भेज नहीं पाया क्योंकि मैं नौकरी में था, और मैं कुछ जो धीरे की चीज़ें लिखने का जो ऑफर आया था वो मैं पूरा नहीं कर सका था उस समय, ये 80 की बात बता रहा हूँ। पास क्या हुआ कि ये झारखंड आंदोलन फिर एक बार
जो है JMM के लीडरशिप में, और 85-86 या 90 आने तक वो काफ़ी ऊपर उठ चुका था। और रामदयाल मुंडा की किताब उस समय नदी के द्वीप और अन्य कविता वो 81 में छप चुका था। और उस समय यहाँ पर एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी थे, वीर भारत तलवार जी, तो वो उस समय यहाँ झारखंडी बुद्धिजीवी मंच उन्होंने बनाया, और आदि संस्कृति या लेखन को कैसे विकसित किया जाए, कैसे किया जाए, इस संबंध में उसने एक टीम बनाई थी और उसकी लिए एक कार्य सूची एक और हो रही थी कि महाशक्ति देवी का जो उपन्यास है जंगल के दावेदार, उसे इनमें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी का कि वो हिंदी में जंगल दावेदार के नाम से प्रकाशित हुआ और वो हिंदी में आया। और हिंदी में आने से क्या हुआ कि वो ना केवल हिंदी क्षेत्र में बल्कि जैसे दूसरे बिरसा मुंडा के परिचित हो गए और फिर हो गया था। और ये महाराष्ट्र में दया पवार और दूसरे लोगों लोग जो हैं वो दलित साहित्य लिखना आरंभ किए थे, और 1980 के आसपास ही हमारे गायकवाड़ जी जो पारधी समुदाय से आते हैं, लक्ष्मण गायकवाड़ जी, और जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था, यह क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था। और वो कहते हैं लोग तो आज़ादी 15 अगस्त को आप लोगों को मिल गया, आज़ादी 4-5 साल बाद मिली 1952 में, जब उनके सर से ये जो क्रिमिनल ट्राइब होने का वो हटा दिया गया, ये जो लक्ष्मण गायकवाड़ जी आते हैं, तो उन्होंने उस समय उपन उछल लिया। और उस 1980 में, मतलब 1980 से आया, उधर महाशिव जो जंगल के दबार दावेदार एक लोग पारा बुद्धि लोगों में एक साहित्यिक चेतना, इसमें तो रोज कलकत्ता जो दीदी हैं, तो उन्होंने प्रेमचंद अपनी मातृभाषा में, मतलब खड़िया में, 1980 के 1900 देश के पूरे पैमाने पर आदिवासियों को समझ नई चेतना जागृत, और शायद आदिवासी पहला आदिवासी का 1987 या 88 में मुझे भी निमंत्रण मिला था, लेकिन मैं दुर्भाग्य से उस समय वहाँ जा नहीं सका। और लेकिन कि और ये झारखंड प्रभात खबर के नए प्रबंधन हो गया था, तो ये लोग क्या कहते आदिवासी मुद्दे को नए तरीके से समझना देखना चाहते थे। तो उस समय प्रभात बहुत सारे झारखंडी हैं वो बहुत धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा छपते थे, और इस तरह से आदिवासी चेतना को एक मंच, और उस समय उन लोगों उस समय कई देखा था कि वो लोग एक साप्ताहिक कॉलम, वो लोग कर रहे थे। और ये चीज़ बाद में मैंने देखा कि जब मैं गुवाहाटी गया, तो वहाँ गुवाहाटी में मैंने देखा कि वहाँ से एक अंग्रेजी अखबार सेंटिनल प्रकाशित होती है, और सेंटिनल प्रकाशित होती है वो क्या करते हैं कि हर शुक्रवार को
सकती है। और वहाँ जितने भी नॉर्थ ईस्ट के खासी, गारो, बोडो, नेपाली, कार्बी आदि जितनी भाषाएँ हैं, कुछ साहित्यिक लेख, साहित्यिक गतिविधि की सूचना, विवरण या कहानी, कविता वगैरह छापती थी। तो मुझे वो जो था पूरे हिंदुस्तान में कोई अंग्रेजी अखबार जो कि आदिवासी भाषाओं के लिए काम कर रहा था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मुझे और एक चीज़ देख पता चला, जब मैं शिलोंग गया तो शिलोंग में खासी के चार न्यूज़पेपर वो प्रकाशित हो रहे हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित हो, अखबार प्रकाशित हो रहे हैं। तो जो उनसे वो अखबार भी प्रकाशित हो रहे हैं वहाँ के स्थानीय भाषा में, तो फिर मैंने जानना चाहा कि भाई ऐसा कैसे होता है। तो मुझे ये जानकर आश्चर्य मतलब लगा कि वो छठी वो जो छठी अनुसूची में रहने के कारण वो उन जिलों को बहुत सारा जो है फंड आता है और वो उपयोग जो है प्रकाश करते हैं, जबकि बाकी जो हमारे जो मध्य भारत में या उधर पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र गुजरात में जो है वहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं थी। और किसी आदिवासी भाषा में दैनिक अखबार मैंने संभवतः नहीं देखा। आजकल मुझे पता चला है कि कुछ दैनिक अखबार जो हैं जमशेदपुर से प्रकाशित हो रहे हैं और कुछ साप्ताहिक न्यूज़ बुलेटिन हो रहे हैं किसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल द्वारा, लेकिन ये सारी चीज़ें शेष भारत में नहीं हो रहे थे। जरा मैं अपनी बातें जरा काट रहा हूँ, है ना, काटते हुए, क्योंकि 1990 के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे आ रहे थे। और जैसे हिंदी में संजीव जैसे कथाकार हैं, तो संजीव जैसे कथाकार उस समय आदिवासी जीवन पर भी कहानी लिख रहे थे। मुझे उन्होंने कहानी लिखी थी जो कि धर्मयुग में छपी थी, तो वो बहुत आश्चर्य हुआ था कि वहाँ के जो हमारे एक आदिवासी समुदाय के बारे में उन्होंने जो कहानी लिखी थी वो बहुत ही अद्भुत थी। तो इस तरह से मैं जो देख रहा था कि धीरे धीरे कुछ कुछ समझना चाह रहा था, लेकिन उनमें बहुत आत्मीय ढंग से कम लोग थे। और उसी समय हमारे अध्यक्ष जी हुआ, श्री भास्कर राव वगैरह हुए, विद्याभूषण जी जो हुए, तो ये जो हमारे रांची के कुछ कथाकार हैं, एक अरविंद चतुर्वेदी, तो उनकी कहानी मोहन कुजूर का, यह मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं इसका इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि तो उस कहानी में कहा था कि वो एक पात्र जो है आदिवासी ठेकेदारों से संघर्ष करता है, उसके बारे में वो था। नहीं तो प्रायः क्या है कि सभी कहानियों में ये दिखाया जाता है कि आदिवासी किसी उपन्यास में किसी मतलब समाज के नायक के साथ ही सहयोग करके, ऐसा नहीं है। आप देखें कि जब हमारे क्योंकि हम अपना अगर इतिहास देखेंगे तो 1800 के आसपास से पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों अंग्रेज लड़ाई शुरू कर दी थी, जबकि जो बड़े लोग थे या पर राजा रजवाड़े थे वो आप थे, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट करके वो चाहे उधर दक्षिण भारत सी हैं वो उसे लोहा ले रहे थे। और कि वो जो अगले बढ़े हुए समाज के लोग थे उन लोग, क्योंकि 1800
ये डिस्टर्ब, मैं टेंशन में, वहाँ का दिमाग, मेरे दिमाग का लिख छप रहे थे, और मेरी कविताएं जो मैंने मैंने आदिवासियों के बारे में, वो सबसे पहले और वन में झारखंड खबर में उसके पहले अंक में कविता छपी। में तो ये आदित्य तेजी संग्रह, भुजंग मेश्राम के जो कविता संग्रह का शीर्षक था, बहुत आश्चर्य हुआ कि जो हमारे झारखंड का जो पॉप दो, 1 जून रमनिका फाउंडेशन के सहयोग कार्यक्रम आयोजित, दो को तो दो को पहली बार जनजातीय दिल्ली, और इसका उद्घाटन देवी ने किया, और उस समय जितने भी हिंदी के बड़े बड़े वगैरह थे, पर मीणा जी हुए, भुजंग मेश्राम जी हैं, तो नारायण जी उड़ीसा के, और पूर्वोत्तर लेख परिचय वगैरह से मजदूर जो लेखक लोग आए थे उनसे तो कैसा डिस्कनेक्ट करना है, क्या कुछ और समय ले सकता है? मैं वो ये लगता है कि ये के कारण और बादल गरजने के कारण कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है, और मैं भी ज़रा सा अपना लय खो रहा हूँ। तो मैं अपने कुछ कविताएं सुना, सबसे पहले तो मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ये हमारी जो जो मूल रूप हुई थी, नहीं पढ़ रहा हूँ और इसे हिंदी में पढ़ रहा हूँ। तो ये कविता है प्रजातंत्र में। रोटी तो हम मांगेंगे, उनके साथ चिपकेंगे भी, छिनती जमीन जान भी,
के खाते मर मरते अपनी भाषा के खा भारू जी देख रहे हैं, जोहार आपको और सभी मित्रों को फिर एक बार जोहार। और ये कनेक्टिविटी की समस्या के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी कविताएं सुना मांगेंगे, साथ चिपकेंगे भी छिनती जमीन जान की खातिर, मांगेंगे तुम्हारे अखबार में दो कॉलम भी, रेडियो टीवी में कुछ घंटे का प्रसारण समय भी, प्रजातंत्र अलावा इसके समाचार भी, तुम्हारे टीवी कार्यक्रम के लिए, तुम्हारे टीवी कार्यक्रम के लिए घटना कथा भी, तुम्हारे धारावाहिकों के लिए पट कथा भी, कैमरे के आगे भी खड़ा हूँ, कैमरे के पीछे भी हूँ, कलाकार मैं ऐसा हूँ, अपनों के लिए भाषा संस्कृति बचाने के साथ रोटी के जीता, जल जंगल जमीन पेड़ बचाता, अल्बर्ट एक का चौक पर राइफल छोड़, बिरसा चौक पर बंधे हाथ से होकर मुक्त प्रवेश कर रहा हूँ अब संसद के द्वार से, मिलूँगा तुमसे जल्द ही अन्य मंचों पर भी, पहाड़ों जंगलों को रुपये की आंखों से देखने की नज़रिए को तुम्हारी देता रहूँगा चुनौती, लिख कर बोल कर शब्दों की ऊर्जा भर रहा हूँ, इसलिए दिल में दिमाग में शरीर के रोम रोम में। दूसरी कविता मैं सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है तुम्हारी मुख्य धारा में। शीर्षक है, ये भी मूलतः अपने मातृभाषा कुड़ुख में लिखी हुई थी, लेकिन मैं यहाँ इसे हिंदी में सुना रहा हूँ। हाँ, किसे नहीं होती है अपने पिछड़ेपन से, हीनता से, गरीबी से, अपनी अज्ञानता से मुक्ति की कामना। हाँ, मेरे अंदर भी है छटपटाहट, होती है इच्छा जैसा कि आप बताते हैं, हो जाऊं मुक्त अपने आदिवासीपन से, अपने जंगलीपन से, अपने गंवारपन से, मांदर ढोल नगाड़े तीर धनुष त्याग कर गाऊं भजन तुम्हारी तरह होकर मस्त, फिल्मी गानों की धुनों पर लेकर ईश्वर का नाम और कूद जाऊं, हो जाऊं शामिल तुम्हारे मुख्य धारा में। लेकिन जैसे ही मुख्य धारा में तुम्हारे चाहता हूँ करना प्रवेश, मुझे देखते हैं तुम्हारी मुख्य धारा के द्वार पर कई असभ्य अमानवीय और ढेरों चेहरे क्रूर, फिर भी कर साहस समेट हिम्मत, बह चुका मुख्य धारा में तुम्हारे और देख रहा हूँ अब अक्षर दूरबीन के सहारे, ना तो वहाँ पवित्रता है, ना सहृदयता है, ना शिष्टाचार, ना सहयोग, ना स्वच्छता, ना सच्चाई, ना ईमान, ना करुणा, ना दया, ना एकजुटता, नहीं नहीं वहाँ कुछ नहीं जैसे समझूं मैं पवित्रता तुम्हारे मुख्य धारा की, इसलिए चाहता हूँ लौटना तुम्हारी मुख्य धारा से छिटक कर पहाड़ों में बहती छीन धारा के करीब, अपनी कुटिया अपने गांव में, जहां आदमी कम से कम नहीं कोई पशु क्रूर।
अपने चेहरे के अंदर और बाहर। दोस्तों ऐसा लगता है कि समय गुजर रहा है, यह अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ और ऐसा लगता है कि समय एक घंटा हो चुका है। तो आपको में से जो हमारे गोंडवाना दर्शन के जो भी हमारे साथी हैं तो वो ज़रा मुझे यहाँ लिख कर बताएं कि और सकता हूँ मेहरबानी करके। इस कविता के शीर्षक है कविताएं मेरी ना पढ़ें आप। अगर आप पहाड़ों को एक कोण से, एक विशेष दृष्टिकोण से देखने के हैं अभ्यस्त, वहाँ के पेड़ों, लताओं, फूल पौधों, औषधियों, वनस्पतियों, नदियों, झरनों, नालियों, कीट पतंगों को मानते हैं जंगल, वहाँ के लोगों को देखने के अपने कर नहीं सकते कोई परिवर्तन, मेहरबानी कर मेरी कविताएं ना पढ़े तब आप। इससे लग सकती है चोट, इससे लग सकती है चोट दिल को, दिमाग को, हो सकता है पहुंचे ठेस तुम्हारी आत्मा को। बात जो आप सुनना चाहते हैं मेरे कवि मन से सुन नहीं सकते अब इन पंक्तियों में, चाहते हैं देखना जो आप शब्द चित्र, वह इन शब्दों में दिखेगा नहीं, आवाज़ों की वह तस्वीर दिखेगी नहीं जो चाहते हैं देखना सुनना, क्योंकि ये आवाज़ें, ये ध्वनियाँ और प्रतिध्वनियाँ तुम्हारे शब्दकोशों से जुदा हैं, अलग हैं, तुम्हारे आँखों कानों के लिए अपरिचित हैं, तुम्हारी संवेदना के राडार से बाहर हैं, तुम्हारी संवेदना के राडार से बाहर हैं, उसकी पकड़ से, उसके दायरे से बाहर हैं, तुम्हारी सभी ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से दूर हैं। ना निकाल लें इसका मतलब कुछ और आप, जैसा अब तक करते आए हैं, मेहरबानी कर इसीलिए मेरी कविताएं ना पढ़े आप। पहाड़ों, पेड़ पौधों, जंगल को भी, नदी झरनों को भी आदमी समझे पहले आप पढ़े। इस संबंध में मैं एक बता देना चाहूँगा, नदी को, पहाड़ों को भी आदमी समझे बात कर रहा हूँ, तो ये कविता मैंने 2013 में लिखी थी, लेकिन पिछले साल वहाँ की जो माओरी जाति है, माओरी जाति वहाँ अपनी नदी, नदी को वो 160 साल से उसे आदमी का दर्जा देने के लिए मांग कर रही थी, लेकिन ये हमारे जो वहाँ के जो गोरी सरकार है उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदिवासी एक नदी को क्यों आदमी का दर्जा देने के लिए मांग कर रहे हैं। से जब तरह की समस्या आई तब उन लोगों को समझ में आया और तब आदमी को, अब उस वांगानुई नदी को आदमी का दर्जा दिया गया और ये जो है आप है नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहे हैं नेताम जी, तो मैं भी अब अपनी बातें बहुत सारा कुछ लग चाहता था वो बातें आ गई, तो मैं अब अपनी बातें समाप्त करने के पहले एक चीज़ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जितने भी साहित्यकार हैं अपनी भाषा संस्कृति अपने लिखे कविताएँ, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी मातृभाषा में चुका हूँ, एक नाटक है बुधु भक्त ईश्वर रदस, मतलब बुधु भक्त भगत यहाँ है, जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से 1830 में हुए थे और वो हमारी जो सामाजिक संगठन से वो बहुत ही मजबूत थे, तो उनके बारे में। और दूसरा जो है एक नाटक लिखा है वो सिनगी दई बरा लगी, मतलब सिनगी दई आ रही है, तो ये दो मैंने अभी नाटक लिखे हैं और तीसरे पर अभी चल रहा है। तो इस तरह से मैं अपनी मातृभाषा
ना केवल और आप और ये अंग्रेजी के अलावा वो संताली और ये हमारी मेरी मातृभाषा में भी आ रही है। और अंत में जाते जाते लोग ये बोलते हैं कई सारे, तो आप लोगों को ये दोहरा दे रहा हूँ कि हमारे जो मित्र हमें बोल आदिवासी विकास की अंतिम बात, आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, उसे भी विकास चाहिए, लेकिन वह जो आज के जो आज की जो सभ्यता और जो विकास के नज़रिए से जो ये जो धरती खोर है ना, धरती को खा जाने वाली और आदमखोर मतलब आदमियों को खा जाने वाली और ये जो मुनाफा कमाने वाली जो अंधदृष्टि है, ये हमारा आदिवासी समाज है इसका विरोध करता है। और वो पूरी दुनिया में, सिर्फ ना केवल झारखंड में बल्कि पूरी दुनिया में ये आदमखोर धरती खोर मुनाफाखोर विकास जो है आदिवासी नहीं चाहता है, वो एक समन्वित विकास चाहता है जिसमें कि उसको भी हिस्सेदारी हो और उसके जो सहजीवी पृथ्वी हैं, पशु पक्षी हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं और जो से झील झरने नदियां हैं, वो भी हमारे संरक्षित रहे, आदिवासी ऐसा चाहता है, आप लोग भी ऐसे ही चाहते हैं। दोस्तों हमारे गोंडवाना दर्शन के जितने भी लोग हैं, खास करके उषा मैडम, नेताम जी, बड्डे जी, तो इन साथी लोगों ने जिन लोगों ने मुझे भूलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो मैं भी अपनी बात यहीं पर समाप्त करना, और यदि अधिक कुछ कहना है तो आप बताएं, और नहीं तो मैं यहाँ पर अपनी बातें समाप्त कर रहा हूँ। मैं एक मिनट आपका इंतज़ार करता हूँ, हमारे कुछ लोग अगर बोलना हो तो बताएं या सवाल कुछ पूछना हो तो पूछें, नहीं तो मैं अपनी बातें समाप्त करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई संवाद मैसेज नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यह समय काफ़ी हो चला, चूँकि मेरे पास घड़ी नहीं है तो इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कितना समय हो गया। लग रहा है कि 1 घंटा से कुछ ऊपर हो गया है, तो इसलिए अपनी बातें मैं करता हूँ और सभी को फिर एक बार सेवा जोहार कहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो साथी सुनहर जी, तारम जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। ये जो कुछ भी कहा आज, ये उनके याद में ही कहा। बहुत बहुत हर्ष।